हेलो दोस्तों, कैसे हैं? धनेश्वरी एकेडमी से आपका स्वागत है। मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूँ। आज एक एजुकेशनल वीडियो और आपको मोटिवेशन करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि बाजार के अंदर वेल्थ क्रिएशन नहीं होता, लंबे टाइम में कोई ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं होती है, कैपिटल का एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो बेसिकली उन लोगों को मैं ये एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाजार के अंदर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। और ऐसे काफी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, लोगों की संपत्ति बढ़ाई हुई है, बेशुमार दौलत लोगों को मिली हुई है और काफी शेयर्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। और कुछ शेयर्स ऐसे भी होंगे कि जहां पर कैपिटल की थोड़ी सी धुलाई भी हुई होगी, ऐसा भी हुआ होगा, पॉसिबिलिटी है। बट हम अच्छी चीजों पे फोकस करेंगे क्योंकि बाजार के अंदर तो दोनों चीजें रहने ही वाली है। सो कुछ कुछ कंपनियों ने तो मल्टी बैगर बनी हुई है, बहुत पैसे बना के दिए हैं, लोगों की संपत्ति निर्माण की है। तो आज मैं आपको एक लोगों को मोटिवेशन मिले और लोगों को समझ में आए कि जितना लंबा हम बाजार के अंदर ठहरते हैं उतनी ज्यादा संपत्ति निर्माण होती है, वेल्थ क्रिएशन होता है। तो चलिए मैं आपको आज के टॉपिक पर ले जाता हूँ। तो आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल वीडियो आप तक इजीली पहुंच पाए। सो अब जिन्होंने 1977 में एक्स कंपनी में, ये कंपनी का नाम मैं आपको बताने ही वाला हूँ, बट एक्स कंपनी में अगर सिर्फ 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था तो उसकी कीमत अब 21 लाख हो चुकी है। मतलब इतना पैसा बन चुका है, सोचिए 1,000 रुपये का 21 लाख रुपया बन चुका है। और ये कौन सी कंपनी है और कैसे हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो इससे आपको पता चलेगा कि जितना लंबे समय तक आप निवेश करते हैं उतना फायदा बाजार के अंदर होता है और बहुत ही फायदा होता है। तो ये कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का सफर शुरू हुआ था 1977 में, BSE पर लिस्टेड हुई थी RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तब 10 करोड़ का था कंपनी का मार्केट कैपिटल। उस वक्त जो कंपनी का मार्केट कैपिटल था सिर्फ 10 करोड़ के आसपास था और पहले 5 लाख करोड़ तक पहुंचने में 40 साल लग गए इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैपिटल को। मतलब सोचिए इतना लंबा समय ये लगा इनके मार्केट कैप को बढ़ने के लिए। और आगे जाके क्या हुआ वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कब कब मार्केट कैपिटल, मार्केट कैप उनका कब कब बढ़ा है, कितना कितना बढ़ा है। तो वो भी सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड BSE पर 1977 में लिस्टेड हुई थी। उस वक्त उसका मार्केट कैपिटल 10 करोड़ रुपए था और उस वक्त जिसने इन कंपनी में सिर्फ 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था उसकी कीमत अब 21 लाख रुपये बन चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 21 लाख रुपये बन चुकी है। और कंपनी को पहले 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप तक पहुंचने में 40 साल का वक्त लगा था। अब कंपनी का मार्केट कैप 12.51 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। और आगे कैसे कैसे मार्केट कैप बढ़ा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं ये सफर आपको बता रहा था और आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कब कब कितने मार्केट कैप कब कब बढ़े हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर रिलायंस का मार्केट कैप का सफर अब हम देखते हैं और ये है 1 लाख करोड़ में। ये जो मार्केट कैप यहाँ पर लिखा गया है ये है 1 लाख करोड़ में। तो 0 से 5 लाख करोड़ तक पहुंचने में स्टार्ट जो डेट है वो है 1977 में जब लिस्ट था, 17 जुलाई 2017, और टाइम लगे उसको 40 साल। उसके बाद में 5 से 6 लाख करोड़ पहुंचने में उसको समय लगा सिर्फ 4 महीने, 18 जुलाई से 2017,
से 24 नवंबर 2017, मतलब केवल 4 महीने लगा। फिर 6 से 7 लाख करोड़ पहुंचने में अब देखिए 8 महीने का सफर लगा। 27 नवंबर 2017 से 19 जुलाई 2018, तो 8 महीने लगे। फिर 7 से 8 लाख करोड़ पहुंचने में, लाख करोड़ कैपिटल पहुंचने में, 7 से 8 लाख करोड़ पहुंचने में अब देखिए यहाँ पर 20 जुलाई 2018 से लेके 23 अगस्त 2018, मतलब 1 महीना लगा। और फिर देखिए 8 से 9 जो है कैपिटल, लाख करोड़ जो कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगस्त 24 अगस्त 2018 से लेके 24 अक्टूबर 2019, 14 महीने लगे। और 9 से 10 लाख करोड़ कैपिटल पहुंचने में 25 अक्टूबर 2019 से 28 नवंबर, मतलब 1 महीना लगा सिर्फ। और उसके बाद में 10 से 11, 29 नवंबर 2019 से 19 जून 2020, 7 महीना लगा। और 11 से 12 लाख करोड़ पहुंचने में जून 2020 से जुलाई 20, मतलब सिर्फ 16 दिन लगे। तो कहाँ से शुरुआत की थी आप देखिए, यहाँ से पहले 1977 से, और अभी देखिए कि कितना मार्केट कैप बढ़ चुका है माय डियर फ्रेंड। और इस तरह से पूरा सफर इन्होंने तय किया। उसके साथ में जितना ये लंबा सफर हुआ उस हिसाब से इन्वेस्टर को भी इसका बहुत बेनिफिट हुआ, और लॉन्ग रन में बहुत पैसे रिलायंस ने इन्वेस्टर को बना के दिए है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ निफ्टी और रिलायंस का कंपैरिजन 1 साल के लिए है। तो 1 साल में देखिए ये यहाँ पर ये डार्क ब्लू जो है, ये डार्क, ये निफ्टी का ग्राफ यहाँ पर है, ये नीचे ये निफ्टी का ग्राफ है, और ये ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का जो यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है चार्ट, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। तो कंपेयर करें निफ्टी से रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट पिछले 1 साल का, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ से शुरू होकर ये देखिए कितना अच्छा ऊपर की तरफ मूव दिया है, और रिटर्न देखिए कितने अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिले पिछले 1 साल में। और निफ्टी का रिटर्न यहाँ पर देखिए माइनस में है, यहाँ पर ये जो लेवल पे था उस लेवल के भी नीचे चल रहा है। सो इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त निफ्टी जो है वो नेगेटिव रिटर्न में है पिछले 1 साल में अभी हम देखें तो, लेकिन रिलायंस ने 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सो आप समझ चुके हैं मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं ये सिर्फ कंपनी का पास्ट डाटा से आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने संपत्ति निर्माण की है। किसी भी तरह का बाई सेल का रिकमेंडेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। कोई भी ट्रेड करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर करें, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। सो आई बिलीव आपको समझ गया होगा कि जितना लंबा समय आप बाजार में रुकते हैं, अच्छे कंपनियों के फंडामेंटल्स अच्छे रहते हैं, टेक्निकली अच्छी कंपनियां रहती है, और वैसे कंपनियों का ग्रोथ अच्छा होता है, अर्निंग्स अच्छी होती है, और इन्वेस्टर की भी कैपिटल बढ़ते हैं, संपत्ति बढ़ती है, और बहुत ही अच्छा रिटर्न बनता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। अगर आप नए हैं, सीखना चाहते हैं, तो धनश्री एकेडमी में आप आ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स आप सीख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.dhanashriacademy.com, ईमेल आईडी है info@dhanashriacademy.com, यूट्यूब चैनल धनश्री एकेडमी नाम, धनश्री एकेडमी के नाम से है, आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मोर देन 700 वीडियोस एजुकेशनल है, जिससे आप लर्निंग ले सकते हैं, बाजार सीख सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से आप ऑनलाइन कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स आप ले सकते हैं,
अपने कंफर्ट जोन से, ऑफिस से, घर से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, कहीं से भी ऑनलाइन कोर्स सीख सकते हैं। और बाजार में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए और बाजार में आइए, ज़रूर पैसा बनता है। थोड़ा सा बाजार को वक्त दीजिए, बहुत अच्छा पैसा बनता है। बट प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, सीखिए और फिर ट्रेड करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा आपको। और बाजार जो है उसको बिजनेस की तरह समझिए। आप जितना बिजनेस की तरह सोचेंगे उतना आपका कैपिटल बढ़ जाएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। धनश्री धनश्री एकेडमी, एकेडमी, योर मनी योर योर ड्रीम्स ड्रीम्स अवर अवर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। ज्वाइन जॉइन अवर अवर कोर्सेज कोर्सेज टू टू लर्न लर्न स्टॉक, स्टॉक, कमोडिटीज, कमोडिटीज, डेरिवेटिव डेरिवेटिव मार्केट। मार्केट। लॉग लॉग ऑन ऑन टू टू www.dhanashriacademy.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।